वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 17/1/92 को दोपहर 3 बजे लगभग श्री मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम। नारायण 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 नारायण। अब बोलो कोई बात पूछो, चलाओ बात, चले बढ़िया पसंद। नारायण 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 नारायण। गोविंद गोपाल की जय हो। काम बेपरवाही से बिगड़ रहा है, एक बात है आप बुरा मत मानना। संत दास संसार में कई गू गू कई डोड, गू गू को तो दिन में नहीं दिखता, डोड को रात में नहीं दिखता।
संतता संसार में कई गूगू कई डूढ़ डूबन रो सो नहीं नहीं तिन रो कूद भाई डूब जाएंगे गजब हो जाएगा और उद्धार हो जाए तो अच्छी बात है। डूबन रो सो नहीं नहीं तिन रो कूद अब विप्लव हो रही है परमा तत्व के ज्ञान हो जाए भक्ति हो जाए प्रेम हो जाए तो आदमी निहाल हो जाए उसका जीवन बड़ा शुद्ध निर्मल पवित्र हो जाए उसके जीवन से दुनिया का कल्याण हो जाए। जैसे हरेक बालक को अपनी माँ अच्छी लगती है बड़ी अवस्था हो जाने पर भी माँ का दर्जा माँ का ही रहता है कई कबूतर लड़ने लग जाए बात एक अलग है परंतु माँ का हृदय माँ का ही है। मात्रा समम नास्त शरीर पोषणम शरीर का पोषण करने के विषय में माँ के समान कोई नहीं है सबसे एक नंबर माँ है। जैसे माँ सबको प्यारी लगती है ऐसे भगवान के भक्त हो जाए तो वे सबको प्यारे लगने लग जाए। कोई कोई कपूत माँ से लड़ लेते हैं ऐसे कही कही संत महात्माओं के साथ विरोध कर लेते हैं परंतु विचित्रता यह है कि विरोध करने वालों का भी भला चाहते हो। उमा संत की है बढ़ाई मंद कर जो करे ही भलाई मंद करने वालों को भी भलाई करते हैं ये संतों का स्वभाव है। समसुगंध कर दो पुष्प को हाथ से तोड़ा और पुष्प को हाथ में लिया दोनों हाथों में सुगंध थी एक ने लिया हाथ में एक ने तोड़ा है सुगंध दोनों में देता है। ये नहीं भी ये तोड़ने वाला है इसको सुगंध ही ना दिया जाए और ये लेने वाला इसको दिए जाए ऐसे संतों को दुख दे तो उसका भी कल्याण होता है सुख दे उसे कल्याण होता है संग करे उसे कल्याण होता है उनके साथ संपर्क करे उनके सब कल्याण होता है। गौ माता को माता कहते हैं तो दूध देती है और भक्षण कर जाते हैं काट कर खा जाते हैं उनको भी दूध देती है वो तो आ जाओ दूध कोई पी हो पान करने वाला माँ कहने वाला करो और कसल करके काट कर खा जाए हुए हो वो तो एक समान ऐसे भगवान और भगवान के भक्त सबकी सुन लेते हैं सबका भला चाहते हैं सबका कल्याण चाहते हैं स्वतः स्वाभाविक तो दुनिया की माँ है माँ तो जीवों की माता है माता के समान है। कितनी विदिक्षु बात है कितनी अलौकिक बात है। और देखो माँ बनने में तो जोर भी आता है और समय भी लगता है कितनों की माँ बनेगी 5, 7, 10, 15, 20 बाल कितने होंगे तो बहुत थोड़ों की माँ बनेगी और फिर भी माँ वैसी संतों में जैसी नहीं बन सकती। माँ का तो मोह पूर्व स्नेह होता है बालक पर और संत महात्मा को मोह रहित स्नेह होता है प्यार होता है स्नेह होता है हर्ष भला करते हैं भला चाहते हैं स्वाभाविक ही और फिर विलक्षणता उसमें अभिमान नहीं होता पक्षपात नहीं होता। माँ के तो माँ का कहना नहीं करे तो लड़कों से उपराम हो जाती है माँ छोरा मानते नहीं क्या करें छोटे छोटे बालकों को कहते मर जाए तू मर जाए री समझो मर जाए तो रोएगी इस रोएगी कह देती है पर तुम महात्मा नहीं कहते महात्मा नहीं कि तुम मर जाए वो तो भला ही चाहते है। एक जगह मैंने पढ़ा था कि भगवान दुष्टों का विनाश करते परित्राणा है साधु नाम विनाश आए तो दुष्कृता साधुओं का परित्राण करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं अवतार लेता हूँ
तो विनाश करने का काम भगवान ही करते हैं, संत नहीं करते। ये कंपर होते हैं, सर्जन नहीं होते। भगवान सर्जन है, चीर फाड़ कर ठीक कर दे, ये तो मलम पट्टी कर देंगे, तो सीधा फड़ा नहीं करेंगे। मानो हत्या करके नुस करके नहीं करेंगे, उनको साधु बदल देंगे। राम एकता पसती तारी, राम कोटि खल कुमति सुधारी, दुष्टों की शुद्ध बुद्धि को शुद्ध कर देते हैं। तो संतों के संग में आने से उनका जो दुष्टपना है वो मिट जाता है, संतपना आ जाता है, उनमें सज्जन बन जाते हैं। तो दुष्टता का विनाश करके सज्जनता लाते हैं। अब भगवान दुष्टों का विनाश करते हैं, संत दुष्टता का विनाश करते हैं। दुष्टता नष्ट हो जाए तो दुष्टपना रहे ही नहीं। तो इतने उपकारी होते हैं माँ से भी बढ़ करके। कपूत नहीं समझते क्या करें, माँ की दया को भी, माँ की दया को भी नहीं समझते, माँ से लड़ाई करते, माँ से अलग हो जाते। कहीं कहीं हमने सुना माँ को मारपीट कर दे, छोड़ा बड़े जवान हो गए मारपीट कर दे माँ को, बोलो किसी भी शुरुआत है। ऐसे संत महात्माओं को भी दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, मारने तक की नौबत आ जाती है। मंसूर हुए उनको जहर दे दिया, ईशा को क्रॉस पर चढ़ा दिया, कीड़ा ठोक दिया, बोला किसका बुरा करें। मृग मच्छी सज्जन पुरुष रथ जल तृण संतोष व्याधुर धीवर विष्णु जग करें आकार रोष। मृग है जंगल में रहता है बेचारा, घास पत्ती खाकर निर्वाह करता है, किसी को बिगाड़ नहीं करता, पर व्याध है उसको गोली मारता है। वो किसी को कुछ बिगाड़ नहीं करता, पत्ती खाकर निर्वाह करता है, गोली मारे। ऐसे मछली बेचारी पानी में घूमती है, वहां अपना निर्वाह करती है, किसी को चक्कर नहीं देती, पर जीवन होता है वो उसको पकड़ करके मार देते, खा जाते हैं। ऐसे संत महात्मा किसी का बुगार नहीं करते, परंतु चुगलखोर होते हैं वो उनके साथ ही विरोध करते हैं, उनको विनाश करते करे आकार रोष। मृग मच्छी सज्जन पुरुष रथ जल तृण संतोष, रथ जल जल में मछली जल में और वो घास में और संतोष में संत महात्मा लोग, ब्याज और जीवन विष्णु जग करे आकार दोष, बिना कारण दोष कर पाए। तो संत महात्मा अपना है वो ऐसा विलक्षण है कि जिसमें मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। भगवान से भी अधिक संतों की महिमा गाई गई है। तो भगवान तो बन नहीं सकते, भक्त बन सकता है, सब भाई बहन संत बन सकते हैं। मीरा भाई बहन शरीर था ना, शरीर तो माई का ही था, पर कितनी ऊंची हो गई। बड़े बड़े संत महात्मा लोग मीराबाई के पद गा करके अपने आनंद का अनुभव करते, अपना जीवन सफल मानते। मीराबाई के पद है, मीराबाई गए हुए, मीराबाई थी तो भाई ही थे, पर भाई हो चाहे भाई हो, जो भगवान का हो जाता है उसके द्वारा दुनिया का बड़ा भारी हित होता है, बड़ा कल्याण होता है, सबका फायदा होता है। और उसके पढ़ने में सब बढ़ सकते हैं, जाट भजो, गुजर भजो, भावे भजो, अहीर तुलसी रघुवर राव में सबका उनका सीर, सबका सीर है, सब बन सकते है। सूराचार दुराचारी से दुराचारी भी भगवान का भक्त बन सकता है, सदाचारी बन सकता है। ये भी शिव पापी होने या नीचे जन्म रहने वाले, नीच जाति में होने वाले भी भगवान के भक्त बन सकते हैं, भगवान के प्यारे बन सकते हैं।
ऋषि मुनि सबरी बाई से द्वेष रखते थे, तिरस्कार करते थे, और वो डरती बहुत थी किसी संत का कोई अपराध न बन जाए, किसी कोई कोई कष्ट न हो जाए, भाग जाती थी। सब सो जाते तब आकर के पंपा सरोवर पर जाने के लिए डगर बुहार करके करड़ी जमीन में बालू बिछा देती कि संत जाते काम करना चुभ है, स्नान कर जाओ। रात्रि को छिप करके उनकी लकड़ी रख देती, उनको जलाने के लिए लकड़ी चाहिए तो उनको लानी न पड़े, ऐसी सेवा करती और वे जब भाग जाती डरती। केवल एक मतंग ऋषि ने कहा बेटी तुम यहाँ रहो, आराम से वो माँ की तरह थे मतंग ऋषि, वृद्ध सब थे। उनको आश्रय देने से ऋषियों ने मुनियों ने उनके साथ विरोध कर दिया कि मतंग ऋषि ने एक अछूत स्त्री को रख लिया अपने पास में, उनको ऊपर दया कर दी, उनकी छाया ठीक नहीं है, ऐसे जिसको मतंग है मतंग का तो कपड़ा देख तो भगवान आए। वो जाने लगे तब तो रोने लगे, जैसे माँ से वियुक्त हो तो बालक रोए और क्या करे, तो वह रोने लगे कि बेटी तू रो मत, श्री रघुनाथ महाराज आएंगे तेरे को दर्शन देंगे, सभी देख राम गिरी आएगी। मुनि की वचन सुमर स्त्री भाई, मुनि का वचन स्मरण किया गया, ऋषि मुनि ने कहा था कि तेरे राम जी आएंगे, आज भगवान आ गए हमारे, ऐसी कृपा थी मतंग ऋषि की। तो मतंग ऋषि ऋषियों का तिरस्कार अपमान निंदा सह करके भी उसकी बजाय रक्षा करते थे, बूढ़ी कुरूप सबर जाति सब तरह से बीच, परंतु भगवान का भजन था, भगवान की भक्ति थी, संत महात्माओं की सेवा करने की रुचि थी। संत तो मारपीट करते थे, नरसी चली कोई मारेंगे पीटेंगे क्या करेंगे, मेरा क्या अपराध हो जाएगा संतों का, ऐसे तो वो संत बना सबरी को ही आ गया, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी आ गया और स्त्रियों को पुरुषों को सबको आ जाए। मैं बात इसकी भगवान से बढ़ करके स्वामी जी कहते हैं राम से अधिक राम कर दासा, राम सिंधु घन सज्जन धीरा, भगवान तो समुद्र है और संत महात्मा है बद्दल है, तो बद्दल में पानी आवे कितना मीठा होता है, समुद्र का खरा पानी और समुद्र आ जाए डुबो दे वो आ जाए डुबो दे, और वर्षा हो जाए ना सब फिल्टर हो जाए मस्त हो जाए, मीठे पानी से तरांतर हो जाए स्थावर जंगम सब जीव सुखी हो जाए, तो राम सिंधु और घन सज्जन धीरा चंदन तरु हरी, चंदन तरु हरी और संत समीरा, ये पावर है। दो दृष्टांत दिए, दो दृष्टांत दिए क्योंकि ये भक्तों से एक तो भक्ति मार्ग ही एक ज्ञान मार्ग, तो भक्ति मार्गियों के लिए बताया कि बदल होकर के तर्क देते हैं भगवान के प्रेम की वर्षा करे सब तरांतर, भगवान नाम का कीर्तन करे, भगवान का गुण गावे, भगवान का जस गावे। भूमि गिनन देते भूरी राजा रहा, वे बहुत देने वाले बड़े दान देने वाले हैं, भगवान की कथा सुनाते हैं ना, भगवान के चरित्र सुनाते हैं, उनकी बड़ी महिमा है, बहुत देते हैं दुनिया को, बहुत भगवान की बात सुना, जैसे बच्चे को कोई माँ की बात सुनावे तो कितना बच्चा राजी होता है, अगर बच्चे की बात सुना तो माँ कितनी राजी होती है, अपने बालक के कोई गुण गावे अच्छा करे ठीक करे प्यार करे तो माँ खुश हो जाती है, ऐसे संतों का लाड प्यार कर तो भगवान खुश हो जाते हैं, अगर भगवान की बात सुना तो संत खुश हो जाते हैं, कैसी विचित्र बात है। अरे इसमें कोई गाँव में नहीं, कोई जाति का कारण नहीं, कोई पंक्ति का कारण नहीं, कोई विद्वान है पढ़ा लिखा है अपढ़ है किसी कोई बात नहीं है,
बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, अवर्ट संत हो गए, अक्सर जानते नहीं, अक्सर वो याद नहीं, वो संत महात्मा हो गए, तत्व के जीवन महापुरुष हो गए। फूला सिंह जी की बात बताते हैं, पढ़े लिखे नहीं थे, एक ने कहा पंडित ने, वो पंडित लिखता कि मैंने पूछा कि महाराज ये क्या बात है, तो संत महात्मा कैसे है वही बात हो जाती है, तो ये पोथी में लिखी है, ये पोथी में लिखी है, हमारे पोथी पढ़ने वाले तो पोथी में लिखी ये बात सच्ची हो जाती है, ऐसी पोथी में लिखी, पोथी में लिखी है हो जाती है क्या, वे कहते ये बात तो होने की है, पोथी में लिखी है क्या, हमारा पोथी में लिखी कैसे होता है, तो उन्होंने जो अर्थ किया मैंने टीका में नहीं देखा, पातंत्र योग दर्शन की टीका में ये बात नहीं आई, उन्होंने प्रख्या करी कि सत्य बोलते बोलते सत्य करते करते उनके वचनों में इतनी सत्यता आ जाती है, जो होने वाली बात ही निकलती है उसी निकलती नहीं, बोलो प्रमाण मंत करना प्रवृत्ति है, अंतकरण प्रवृत्ति प्रमाण है, वहाँ राम जी ने कह दिया ना ये राज वो राजकन्या वही है जिसका स्वयंवर हो रहा है, लक्ष्मण जी से कह दिया लक्ष्मण इसकी मेरा तो मन ही जाता है भैया, अब ये बात कोई कहने की होती है, लक्ष्मण छोटा भाई पुत्र की तरह, तो छोटे के सामने बड़ों के सामने नहीं कही जाती ये बात, अगर गुरु जी को कह दिया बड़े से बड़े गुरु जी को कह दिया, छोटे से लक्ष्मण लाल को कह दिया, सरल स्वभाव छुआ सर भाई, सर ने छुआ ही नहीं, इतना सरल स्वभाव है श्री राज जी महाराज का स्वभाव, बड़ा निर्मल बड़ा स्वच्छ गंगा जल की तरह ऐसा स्वच्छ निर्मल सर ने छुआ ही नहीं, वे कहते हैं कि मेरा मन ऐसा है कभी कुपन से जाता ही नहीं, इसकी बस जाता है, रघुवंशियों का ये विचार है, वे कभी खराब से नहीं जाते, तो वंश का विचार ही ऐसा है, मेरे मन का व्यक्तिगत भी ऐसा है, फिर भी मन से जा रहा है, सुषम कारण जान भी जाता, अब जाता जाने क्या कारण है, कारण क्या है, अपनी चीज है, अपनी है इसी दूसरी है ही नहीं, दूसरी तो मन जा नहीं सकता, यही कमल महाराज महाराज दुष्यंत राधा दुष्यंत हुए, शकुंतला एक थे ऋषि, उन्होंने पाला था उसको, कर्ण ऋषि ने पाला था, कर्ण ऋषि पुत्री की तरह समझते थे, और जितने ऋषि बालक थे ना वो यही समझते कर्ण ऋषि कन्या है, कर्ण ऋषि की ही कन्या मानते थे लोग भी दूसरे भी, और कर्ण ऋषि भी ऐसा स्नेह करते थे, फिर विश्वामित्र की मेनका से पैदा हुई बच्ची, दुष्यंत आया तो उसका मन चला गया उधर, दुष्यंत कहते हैं वो पूछा कौन है कि कर्ण ऋषि की कन्या है, वो कहते नहीं ये ब्राह्मण की कन्या हो ही नहीं सकती, अगर ब्राह्मण की कन्या हो तो मेरा मन जा ही नहीं सकता, मेरा मन जाता है तो प्रमाणम अंतकरण प्रवृत्ति, अंतकरण की प्रवृत्ति प्रमाण है इसमें, ये ऋषि की कन्या नहीं है, ब्राह्मण कन्या पर मेरा मन कैसे जाएगा, जाएगा नहीं, मेरा मन जाता है तो ये ब्राह्मण की कन्या नहीं है, तो ठीक सच्ची कन्या ही थी वो, तो अंतर्गण उनका इतना शुद्ध निर्मल होता है कि खराब रस्ते में जाता ही नहीं, कभी खोटे रस्ते में जाता ही नहीं, स्वतः शुद्ध होता है, स्वाभाविक निर्मलता होती है, पवित्रता उसमें होती है, शरीर में वाणी में मन में आचरणों में इतनी शुद्धि इतनी पवित्रता होती है, ये संत बना हरेक को प्राप्त हो सकता है, ग्रस्त हो साधु हो भाई हो बहन हो किसी का कोई ठेका नहीं, भी साधु कैसे हो सकते हैं ग्रस्त नहीं हो सकते, ऐसी बात नहीं है, ग्रस्त हो सकते हैं साधु नहीं हो सकते ये बात भी नहीं है, भाई हो सकते हैं बहना नहीं हो सकती ये बात भी नहीं है, तो बहन हो सकती है भाई नहीं हो सकती ये बात नहीं है,
बहन हो भाई हो शिष्य हो व्यस्ती हो पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो बिल्कुल विद्वान हो चाहे कुछ भी जानता न हो बिल्कुल अज्ञानी हो कैसा ही क्यों हो सब कुछ हो सकते ऐसी बिल्कुल बात है अनुभव की बात है। राम दड़ी चौड़े पड़ी सबको ही खेल हुआ है दावा ना ही संतता जीते सो ले जाए किसी को भी कोई दवा नहीं है जो नहीं ले उसे कही है राम दड़ी चौड़े पड़ी सबको ही खेल हुआ है दावा ना ही संतता जीते सो ले जाए कोई उसको ग्रहण कर लो नाम ले लो कौन मना करता है कौन मना करते है क्यों मना करते किस लिए मना करते किसके लिए मना करते किसी के लिए नहीं चौड़े पड़ी राम दड़ी चौड़े पड़ी चाहे दुष्पन करो चाहे सो याद करो और संत पर आ जाए उसमें बिना कारण ऐसी विलक्षणता आ जाए उनमें तो माँ की चले हो जाओ जैसे माँ अच्छी लगती है माँ मीठी लगती है माँ नाव मीठा लगता है प्यारा लगता है मेरी माँ मेरी माँ ऐसे संत महात्मा लोग माँ होते हैं सबके लिए माँ की तरह प्यार करते हैं स्नेह करते हैं सबका भला करते हैं माँ इतना नहीं करती माँ तो लोग की टोकी बात मार्मिक बात क्या करे माँ बेचारी जानती है जिनके बालक हो गया उसका नाम माँ तो हो ही गया तो माँ तो दुष्टों की माँ होती है सज्जनों की भी माँ होती है माँ तो संतरे की होती है पर संत दुष्ट नहीं होते और संत संत ही होते सबका हित करने वाली सबका प्रेम से प्यार करने वाली सबका कल्याण करने वाली उदार आत्मा कुछ कहते हैं राम मोरे मन पदु अस विश्वास राम ते अधिक राम रासा राम जी की शक्ति उत्पत्ति स्थिति प्रलय कर रहे सब चाहे सुख संसार में कर रहे ये शक्ति तो महात्मा मूर्ति ने कल्याण करने की बात तो भगवान के पास होती है उनमें अधिकता किस नहीं भगवान से ही आई अधिकता संतों में जो अधिकता आई है वो भगवान से आई है ये नहीं भगवान में अधिकता संतों से आई ये नहीं कह सकते भगवान के सिद्ध स्वतः सिद्ध है तो हमारे लिए तो भी बढ़िया है पंद्रह में जल तो समुद्र से ही आया है ना मैं समुद्र का जल पिए जैसा नहीं करवा मगर तो पंद्रह में आ जाए मैं कह रहा मीठा हो जाए एकदम अमृत से अधिक ऐसा प्यारा रहेगा मीठा बरसा बरसती है सब जीव जंतु सावर जंगम सब प्रसन्न हो जाते हैं तरांतर हो जाते हैं ये तो सगुण के लिए दिया निर्गुण के लिए चंदन तरु हरी संत समीरा एक वृक्ष होता है उसकी सुगंधि से जाके सुगंध लगे चंदन की चंदन होते बारन लाई ब्रह्म सब ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन स्वरूप जिसके सुगंध लग जाए जिसको सत्संग मिल जाए वही परमात्मा सत्संग प्राप्त हो जाए तो ये सगुण और निर्गुण दो है उन दोनों के लिए दो दृष्टांत दिए गोस्वामी जी महाराज ने तो संतों की कितनी वृक्ष महिमा वो संत पड़ा हरेक को मिल सकता है किसी का भी ठेका नहीं कोई साधु ही साधु हो जाए ग्रस्त नहीं हो सकते कोई बात नहीं कोई चाहे राम जी चौड़े पड़ी भगवान तो सज्जनों भाइयों बहनों सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ एक भगवान भी भगवान हमारे हैं हमारे जैसे बच्चा कहते है मेरी माँ है मेरी माँ ऐसे प्राणी मात्र की माँ है परमात्मा तुम्हें माता से पिता तुम्हें माता से पिता तुम्हें माँ सबकी माँ भगवान है सबके पिता भगवान है सबका पालन पोषण करने वाले भगवान है सबको शिक्षा देने वाले भगवान है सब तरह की शक्ति देने वाले सब पूरे सब गुरु कालीन पूर्व में जितने महात्मा संत है सबका गुरु है सबके गुरु गरिया ऐसे विषय हुए राम दड़ी सीता राम सीता
सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम